सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल टॉर्क एंड टर्बो में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टू स्ट्रोक इंजन के बारे में। इससे पहले मैंने अपने वीडियो में फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में समझाया था, आप उसको देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक में जो है डिफरेंस क्या है, फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक में जो मोस्ट कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्रैंक का रेवोल्यूशन है। इसमें जो है हमारा क्रैंक एक बार पूरा रेवोल्यूट करता है एक पावर जनरेट करने के लिए, जबकि फोर स्ट्रोक के अंदर जो वो क्रैंक जो है दो बार रेवोल्यूट करता है टू प्रोड्यूस वन पावर स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक में आप देख सकते हैं पिस्टन का मूवमेंट भी अप एंड डाउन होता है, तो जब पिस्टन ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ट्रेवल करता है तो हमारा इनलेट होता है, जब पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है तो हमारा कंप्रेशन होता है। वैसे ही जब हमारा पिस्टन अगेन थर्ड प्रोसेस में जब नीचे की तरफ ट्रेवल करता है तो हमारा एक्सपेंशन होता है, जिसको हम इग्निशन भी बोलते हैं। जब हमारा पिस्टन अगेन जो ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है तो जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो सारी बाहर निकल जाती हैं। यही चार प्रोसेसेस जो है टू स्ट्रोक इंजन में भी होती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही साइकिल में सारी दोनों पूरी हो जाती हैं। तो जब पिस्टन ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, तो कंप्रेशन और इनलेट दोनों एक साथ हो जाती हैं। जब पिस्टन नीचे की तरफ ट्रेवल करता है तो एग्जॉस्ट एंड एक्सपेंशन दोनों जो है एक साथ पूरी हो जाती हैं। तो इन ये जो है एक साथ पूरी हो जाती है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रोक जो है, जैसे हम कहते हैं जैसे हमें पूरी पावर मिल सके, वो हमें नहीं मिल पाती। इसीलिए जो है टू स्ट्रोक जो है धीरे धीरे डिमिनिश होता जा रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, और फोर स्ट्रोक का जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता जा रहा है। तो भी हम जान लेते हैं कि टू स्ट्रोक काम कैसे करता है। अब मान लीजिए कि जो सिलेंडर के ऊपर जो है पिस्टन जो है फ्रेश एयर एंड फ्यूल मिक्सचर जो है पहले से मौजूद है, पिस्टन जो है पीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रैवल कर रहा है, मींस जो पिस्टन है ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। जब पिस्टन ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो क्या होता है कि कंप्रेस करने की कोशिश करता है, ऑब्वियस सी बात है जब ऊपर से बंद रहेगा सिलेंडर हेड की तरफ से और नीचे से आप किसी चीज को दबाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी चीज कंप्रेस होगी। तो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर जो है इसके अंदर कंप्रेस हो रहा है जब तक वो टीडीसी पर ना पहुंच जाए। उसी दौरान होता क्या है कि जो हमारे इनलेट पोर्ट्स हैं, मैं बता दूं कि टू स्ट्रोक इंजन के अंदर हम जो है पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, वॉल्व्स का नहीं, जिसमें हमारा कोई क्रैंक मैकेनिज्म नहीं होता, कैम नहीं लगा के रखते हम इसमें। तो पोर्ट्स जो है बेसिकली इनके अंदर पहले ड्रिल्ड होती है, पहले से इनके अंदर होल बनाया हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए जो होता है कि जब हमारा पिस्टन जो है पीडीसी से टीडीसी से ट्रैवल कर रहा है, एक तो कंप्रेशन जो हमारा ऊपर ऑलरेडी टेक प्लेस हो रहा है, दूसरा जो है हमारा इनलेट पोर्ट जो है वो जो है प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से ओपन हो गया। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हुआ, पोर्ट्स ओपन हुई, फ्रेश जो है एयर फ्यूल एंड ऑयल, मैं बताऊंगा ऑयल क्या है इसके अंदर आपको आखिरी में, ये तीन चीज जो है इसके अंदर एक साथ आती हैं और क्रैंक केस के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। जब ये डिपॉजिट हो जाती है तो हमारा पिस्टन जो है तब तक टीडीसी तक पहुंच चुका होता है। पहुंचने पे क्या होता है कि जो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर है वो एक टेम्परेचर पर कंप्रेस हो चुके होते हैं, और जो हमारा स्पार्क प्लग है उसके अंदर से हमारा स्पार्क जो है जंप करता है और इसको इग्नाइट करता है। जैसे इग्नाइट करता है तो बहुत फ्रेश अमाउंट ऑफ जो प्रेशर है इसके अंदर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को क्रिएट होने की वजह से जो है ये इसको थ्रो करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो थ्रो करता है तो हमारा पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की तरफ ट्रैवल करता है। तो हमने देखा कि जब हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो कंप्रेशर और इनलेट दोनों प्रोसेस पूरे हो गए। अब जो है जब हमारा पिस्टन टीडीसी से टॉप डेड सेंटर से बीडीसी की तरफ जा रहा है तो देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है तो हमारा पिस्टन नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। जब नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो जो हमारा पिस्टन है इसके अंदर जो एक और सबसे बड़ा बैक ड्रॉबैक है, पिस्टन है हमारा एज अ वॉल्व काम करता है इसके अंदर, ठीक है। तो जो पिस्टन ही है वो हमारा एग्जॉस्ट ओपनिंग कंट्रोल करता है और ट्रांसफर और जिसको हम कहते हैं इनलेट सेकेंडरी इनलेट पोर्ट्स जो है उसको कंट्रोल करता है। तो क्या होता है जब पिस्टन नीचे की तरफ जाता है तो डिफ्लेक्टर के ऊपर जो है डिफ्लेक्टर क्या करता है, इसको एक पाथ प्रोवाइड करता है ताकि इसके अंदर जो है जो सारी गैसेज है वो एक साथ बाहर निकल सके। तो जो डिफ्लेक्ट जो ये जो है गैसेज जैसे ही पिस्टन नीचे करता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट सबसे पहले ओपन होता है। एग्जॉस्ट पोर्ट जो है ओपन होने होते ही जितनी भी पॉन आउट गैसेज जो इग्निशन हमने प्रोड्यूस किया उससे सारी गैसेज जो है वो जल चुकी हैं। अब जलने के बाद इसको इससे नीचे थ्रो किया, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हुआ, एग्जॉस्ट पोर्ट से सारी बाहर निकल गई, ठीक है। तो हमारा पिस्टन जो है वो बीडीसी की तरफ अभी ट्रैवल कर ही रहा है, इन बिटवीन है। तो सारे डिफ्लेक्टर से सारी जो गैसेज है वो बाहर की तरफ आती जा रही है। उसी दौरान क्या होता है जैसे ही पिस्टन थोड़ा और नीचे आता है तो हमारा ट्रांसफर पोर्ट जो है वो डिफ्लेक्टर की वजह से जो बंद हो रहा था वो खुल जाता है। उससे क्या होता है कि इसके अंदर जो है एक क्रैंक केस कंप्रेशन होता है, ठीक है। क्रैंक केस कंप्रेशन की वजह से क्या होता है कि जितने भी नीचे क्रैंक केस के अंदर जो इनलेट जो स्ट्रोक था उसके अंदर दौरान जितने भी गैसेज जो है क्रैंक केस में आ गई वो जो है कंप्रेस होना शुरू होती है। कंप्रेस होने के पे क्या होता है,
इनलेट पोर्ट्स तो बंद होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे कंप्रेशन रिंग है, कंप्रेशन रिंग की वजह से जो इसके अंदर है एक सील प्रोड्यूस हो जाती है जिससे कि जो ऑयल है वो ऊपर ट्रैवल नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि जितनी भी ऑयल को जगह मिलती है वो सारी ट्रांसफर पोर्ट में आ जाती है। तो जैसे ही और थोड़ा डाउन होता जाता है, प्रेशर और क्रिएट होता जाता है, कंप्रेशन और बनता है, तो क्या होता है सारी जो है धीरे धीरे मूव करना शुरू करती है ट्रांसफर पोर्ट की तरफ। ट्रांसफर पोर्ट से ये सीधा पिस्टन के हेड पे आ जाती है। अब जो क्या होता है कि जब सारी जो है ये ट्रांसफर पोर्ट्स की वजह से सारी इसके हेड पे आ गई, ठीक है, दूसरा जैसे जैसे नीचे आते रहते हैं तो इसके अंदर हमारा एग्जॉस्ट तो खत्म हो गया और एक्सपेंशन दोनों खत्म हो गया। तो ये था कुछ ऐसा वर्किंग। जब इसकी आपने देखा होगा जब इसकी वर्किंग इतनी सिंपल है, इतना मोर पावर है, ट्वाइस पावर जनरेट करता है 4 स्ट्रोक से, तो लेकिन ये धीरे धीरे क्यों डिमिनिश होता जा रहा है और क्यों खत्म होता जा रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको इसके 2 बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। जो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है स्कैवेंजिंग प्रोसेस हम उसको बोलते हैं, जिसमें हमारा एग्जॉस्ट गैस और फ्रेश फ्यूल जो है मिक्स होके बाहर की तरफ ट्रेवल कर जाए, जिससे हमें पावर प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा हमें गैस बर्न करने की जरूरत पड़े। तो स्कैवेंजिंग इसमें होता क्या मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जो पीडीसी जब टीडीसी से बीडीसी तरफ जाता है तो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट जो है सबसे पहले ओपन होता है। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होने की वजह से क्या होता है जितनी भी बर्न आउट गैसेस हैं वो धीरे धीरे बाहर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करती हैं इस रिफ्लेक्टर की हेल्प से। जब ट्रैवल करना शुरू करते हैं थोड़ा और नीचे आता है तो हमारा ट्रांसफर पोर्ट जो है वो भी ओपन हो जाता है। ट्रांसफर पोर्ट ओपन होने की वजह से क्या होता है कि जितनी भी फ्रेश एयर फ्यूल एंड ऑयल मिक्सचर जो है वो इसके ऊपर आ जा रहा है। ऊपर आने की वजह से क्या होता है कि जितनी भी गैसेस हैं वो उनके साथ मिक्स हो जा रही है। मिक्स हो जाने के बाद कुछ गैसेस जो है अगर इससे पहले से हाई टेम्परेचर है तो कुछ गैसेस जो है वो थोड़ा अपने आप को सेल्फ इग्निशन होता है। पेट्रोल बहुत सेल्फ इग्निशन पावर जो है प्रॉपर्टी जो है बहुत हाई होती है। तो क्या होता है कुछ तो अपने आप बर्न हो जाती है और कुछ जो है इसके साथ बाहर निकलना शुरू करती है, क्योंकि एग्जॉस्ट पोर्ट भी जो है हमारा अभी ओपन ही है और ट्रांसफर पोर्ट भी जो है हमारा अभी ओपन ही है। तो इसमें होता क्या है कि इसी को हम स्कैवेंजिंग बोलते हैं। इन्हीं सब को रोकने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको हम लूप स्कैवेंजिंग भी बोलते हैं, डायरेक्ट स्कैवेंजिंग भी बोलते हैं। इन दो प्रोसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे काम करते हैं, मेरे पास इसका अलग से एक वीडियो है। तो ये था इसका पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जिसकी वजह से खत्म होता जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसके अंदर वो यही है, मैंने आपको पीछे बताया था कि हम इसमें 3 चीज मिलाते हैं, एयर, ऑयल एंड फ्यूल। तो जो ऑयल हम इसके अंदर मिलाते हैं वो हम इसके अंदर मिलाते हैं लुब्रिकेशन। और आपने देखा होगा जब आपने कभी स्कूटर चलाया होगा या लॉन मूवर चलाया होगा, जब उसमें पेट्रोल भरते हैं तो सलाह दी जाती है कि उसके साथ एक पाउच आता है, उस पाउच को जरूर डालें। तो जो पाउच है वो हमारा लुब्रिकेशन होता है। तो इससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही हुआ कि जो इसके अंदर हमारी लुब्रिकेशन है उसको हम ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, जो है इसकी जो लुब्रिकेशन की जो वो है रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है 4 स्ट्रोक से। इस वजह से जो है धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है वो डिमिनिश होती जा रही हैं। तो आशा करता हूँ आपको 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।